हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ हरियाणा हरियाणा की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके बारे में बात करेंगे और ये न्यूज़पेपर में आई हुई थी ये न्यूज़ इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की ये सोची और इस न्यूज़ में क्या कहा गया है वो ज़रा आप भी देखिएगा देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो लिखा है शिक्षकों के पात्रता परीक्षा पास न करने पर हाईकोर्ट ने लिया सख्त कदम क्या मामला है अध्यापक पात्रता परीक्षा पास किए बगैर नियुक्त शिक्षकों के लिए अच्छी खबर नहीं है ये आपको पता होगा या जिनको पता नहीं है अभी वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा यहाँ पर हरियाणा में रिक्रूटमेंट हुई थी वो मैं आपको बताती चलूंगी एक बार पहले न्यूज पढ़ लेते हैं जिन शिक्षकों ने पात्रता परीक्षा पास नहीं की है उन पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है मामला यह है कि शिक्षा संस्थाओं के चार साल के अनुभव के आधार पर पात्रता में एक अप्रैल 2015 तक छूट लेकर सरकारी टीचर नियुक्त होने का ठीक है अभी ये क्या हुआ था कि भाई आपको अगर चार साल का एक्सपीरियंस है फोर इयर्स का तो इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट ले ली थी कि चाहे वो उनकी पात्रता परीक्षा पास हो या ना हो चार साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इस बिहाव पे उन्होंने रिक्रूटमेंट यहाँ पे ली थी ये याचिका में हाई कोर्ट को बताया गया कि साल 2012 में शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान हरियाणा शिक्षित शिक्षक भर्ती बोर्ड ने उन टीचर्स को अध्यापक पात्रता परीक्षा से छूट दी थी जिनके पास शिक्षा संस्थाओं का चार साल का अनुभव था अगर आपको टीचर लगना है तो आपके पास फोर ईयर का एक्सपीरियंस हो कोई भी टेस्ट वगैरह क्वालिफाई नहीं करना हम आपको सीधा रिक्रूटमेंट यहाँ पे लेंगे और आपको हायर करेंगे ठीक है तो अभी क्या हुआ फिर आ, बोर्ड ने इन सभी टीचर्स को अप्रैल 2015 तक ये बोला कि भाई आपके सामने एक कंडीशन रखी जाती है चलो आपके पास पात्रता परीक्षा पास नहीं है आपके पास में आपको हमें पात्रता परीक्षा पास करके देनी होगी मामले की बहस के दौरान याचिका के वकील विक्रम शोराण ने बेंच को बताया कि जिन टीचर्स ने 1 अप्रैल 2015 तक पात्रता परीक्षा पास नहीं की सरकार ने फिर से उन्हें टाइम दिया और बोला 2018 तक करके दे दो भई हमें लेकिन फिर भी काफी संख्या में टीचर ने इस समय तक कोई भी परीक्षा पास नहीं की और इसके बाद फिर सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी फिर से टाइम ये बढ़ाया गया और इसके लिए अब फिर साल 2022 तक परीक्षा पास करने की सीमा बढ़ा दी शोरान को दलील पर हाईकोर्ट के जस्टिस जेसी पुरी ने विभाग की कार्यप्रणाली पर विभाग की जो हमारा स्टाफ कमीशन है उसकी जो प्रोसेस है कार्य करने की उस पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्यों सरकार अपने और कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है मतलब बार बार टाइम दिया जा रहा है पहले 2015 फिर 2018 फिर 2022 इतना टाइम दिया जा रहा है उन टीचर्स को जो कि यहाँ पर क्वालिफाई ही करके नहीं बैठे और आप अपनी तरफ देखिए आप कितनी मेहनत करते हैं आपको मेरिट में आना होता है आपको डी में नहीं बुलाया जाता है क्योंकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं तब भी अभी जब प्रोटेक्शन ऑफिसर का रिजल्ट आया था तो एक लड़की का वहाँ पर केस था एटी सेवन एटी सिक्स कुछ मार्क्स थे उसके और फिर भी उसको डीवी के लिए नहीं बुलाया गया था क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई गई थी नाइन्टी गई थी कोर्ट ने कहा कि क्यों ने सरकार और परीक्षा सरकार के परीक्षा पास करने के समय बढ़ाने के आदेश पर ही रोक लगा दो बिल्कुल सही है कि कोर्ट क्यों ये ना करे कि सरकार जो बार बार इनका टाइम टेन और बढ़ा रही है कि आप इतने समय में पात्रता परीक्षा पास करो क्यों कर रही है ऐसा क्योंकि जब उन्होंने रिक्रूटमेंट लिए थे तो ऐसा क्यों बोला क्यों भाई पात्रता परीक्षा पास मत करो अभी इन्होंने ये बोला कि हम जेबीटी को खत्म कर रहे हैं अगर आप कर रहे हो तो एस्टेट ले क्यों रहे हो फिर ठीक है उन्हें जवाब दायर करने के लिए चार सप्ताह तक का समय दी जाए अब सरकार ने कहा है कि उन्हें अपना जवाब दायर करने के लिए उनको चार सप्ताह मतलब कम से कम उन्हें एक महीने का टाइम दो ठीक है तो ऐसा क्यों हो रहा है ऐसे सिस्टम ही ऐसा हो रहा है कि जो लोग यहाँ पे हार्ड हाँ, हाँ, वर्क कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं उन लोगों का तो कुछ भी क्रिटेरिया नहीं है और जो लोग ऐसे हैं कि बिना ही पेपर पास किए सीधा ही रिक्रूटमेंट में हो गए और उनको गवर्नमेंट जॉब दी जा रही है तो अच्छा खासा हो रहा है आपका क्या इस पर रिव्यू है आप क्या बोलोगे इस अगर इस न्यूज़ के रिगार्डिंग सो प्लीज़ गाइड कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि आप इससे सहमत हैं या नहीं हैं एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और जब अगर किसी को वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिएगा थैंक यू सो मच थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू